नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, कल जो शिवराज कैबिनेट बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसके फैसले क्या थे वो हम जानेंगे। हालांकि कल हमने एक लाइव वीडियो डाली दी है, लेकिन हम आपको सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या जो कर्मचारी हड़ताल थी उससे संबंधित कोई प्रस्ताव आया है या नहीं, हम जानेंगे। तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखें, कर्मचारी सहित सभी लोग मध्य प्रदेश के जरूर देखें। तो आइए विस्तार से एक एक करके जान लेते हैं मंत्रिमंडल के फैसले। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रिमंडल की चतुर्थ वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें सनगटा यानी एयर सिंचाई परियोजना के कुल सिंच क्षेत्र 4630 हेक्टर के लिए 145,45,00,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा पिछोर तहसील के 15 ग्रामों की 4630 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। सीमांकन मानचित्रण की प्रक्रिया सरल करने के लिए CORS प्रणाली को मंजूरी। सीमांकन मानचित्रण की प्रक्रिया का सरल एवं शुद्ध करने के लिए राज्य में CORS यानी कि कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन प्रणाली का उपयोग शुरू करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ MOU निष्पादित किया गया है। वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा भूमि सीमांकन का कार्य ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन द्वारा किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद ने ETS मशीनों से सीमांकन करने में विभाग को अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करने के दृष्टिगत उपरोक्त की मंजूरी दी है। सीमांकन कार्य को आधुनिक तरीके से कम समय में पूर्ण करने में CORS प्रणाली अत्यंत प्रभावी साबित होगी। CORS नेटवर्क का उपयोग करने से उच्चतर के एक्यूरेसी के साथ भू सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का काम कर सकेगा। CORS नेटवर्क के उपयोग से किसी भी मौसम या परिस्थिति में सीमांकन मानचित्रण गतिविधि की जा सकती है। साथ ही क्षेत्र में बड़ी फसल में भी यह काम कर सकेगा। इस नेटवर्क के उपयोग से आने वाले समय में GNSS चिप के साथ स्मार्टफोन मोबाइल पर लोड किए गए ऐप से भी सीमांकन संभव होगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णय जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 20% पद आरक्षित किए जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के तीसरे विधि आयोग के सुचारू रूप से संचालन के लिए अन्य पदों के साथ आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष सदस्य सचिव एवं अन्य अंशकालिक सदस्यों के पदों की सेवा शर्तों एवं पारिश्रमिक को अधिक स्पष्ट और युक्तियुक्त बनाए जाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। मंत्रिपरिषद ने सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित विद्युत से प्राप्त होने वाले पूर्ण राजस्व को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत बिल अनुसार पूर्ण राजस्व वित्त विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को दी जाने वाली सब्सिडी से हर माह घटाकर नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को देने की मंजूरी दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कल कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें लिए गए निर्णय हैं, इस पर अपने विचार लिखें। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।